नर्सिंग होम होता है उनको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है मेरे पास कि मैं आयुष्मान से टैग होना चाहता हूँ। उसके पश्चात हम लोग उसका सर्वे करवाते हैं कि वो उस लायक है या नहीं अस्पताल। उसके बाद इसे हम लोग स्टेट को भेजते हैं तो फिर वहाँ से अनुमोदन आ जाता है। क्या कोई अस्पताल ऐसा आवेदन अभी किया है सर? अभी फिलहाल तो कोई अस्पताल आवेदन नहीं किया है। आयुष्मान कार्ड गुमला के लोगों के लिए शोभा की वस्तु बनकर रह गई है, क्योंकि गुमला जिले के किसी भी निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। मजबूरी में मरीज रांची जाने को विवश है। गुमला में सिर्फ सरकारी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज की व्यवस्था है। जिले के 4,90,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। अभी 5.5 लाख और आयुष्मान कार्ड बनने वाला है। प्रशासनिक उपेक्षा के कारण आयुष्मान कार्ड का उपयोग गरीब लाभुक इलाज में नहीं कर पा रहे हैं। अगर प्रशासन इसमें पहल करता तो कई निजी अस्पतालों को टैग किया जा सकता है और इसका लाभ गरीब लोगों को मिल पाता। सर, गुमला में ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं है जहां आयुष्मान से इलाज होता है, क्या कारण है और इसके समाधान के लिए क्या कोई पहल आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो आयुष्मान के बारे में हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको कि आयुष्मान भी बोलते हैं हम लोग, ये 2018 में शुरू हुई और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का एक सपना था कि गरीब आदमी भी जाकर के बड़े अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, तो ये केवल आयुष्मान के जरिए ही हो सकता था। अभी फिलहाल आयुष्मान के तहत गुमला जिला में केवल सरकारी अस्पताल जो हैं, जैसे सदर अस्पताल हो गया या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, ये सभी आयुष्मान के लिए आयुष्मान से टैग है, माने उनके से इलाज होता है वहाँ पे। लेकिन प्राइवेट अस्पताल के द्वारा अभी कोई भी पहल नहीं की जा रही है। पहले हो रहा था इलाज, लेकिन अभी फिलहाल इलाज नहीं हो रहा है। इसके लिए जो अस्पताल प्रबंधन होता है या जिसका अस्पताल होता है, जिनका नर्सिंग होम होता है, उनको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है मेरे पास कि मैं आयुष्मान से टैग होना चाहता हूँ। उसके पश्चात हम लोग उसका सर्वे करवाते हैं कि वो उस लायक है या नहीं अस्पताल। उसके बाद इसे हम लोग स्टेट को भेजते हैं तो फिर वहाँ से अनुमोदन आ जाता है। क्या कोई अस्पताल ऐसा आवेदन अभी किया है सर? अभी फिलहाल तो कोई अस्पताल आवेदन नहीं किया है। सर, तो बहुत सा इलाज है कि सदर अस्पताल में नहीं है, तो लोग फिर कहाँ इलाज कराएं? लगभग सभी इलाज सदर अस्पताल में मेरे पास है। और जो बहुत सा गंभीर मामला आता है तो उसको रांची रेफर? मामले में जैसे हेड इंजरी, सिर में चोट लगना, अगर ब्रेन में चोट लग गई तो ये गुमला जिला में कहीं इलाज नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको रांची जाना ही पड़ेगा। रांची में ही न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन रहते हैं, वो लोग ही इसका इलाज कर सकते हैं। यानी कि अगर गुमला में आपको व्यवस्था नहीं तो आप रांची में आयुष्मान से इलाज करा सकते हैं? हाँ, आयुष्मान से जो टैग है हॉस्पिटल, वहाँ जाके इलाज करा सकते हैं। की आबादी 12.25 लाख से अधिक है, उतना ही यहाँ आयुष्मान कार्ड भी बनना है। इसमें करीब करीब 40% आयुष्मान कार्ड बन गया है, शेष का भी बन भी रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि गुमला में आयुष्मान से इलाज की व्यवस्था नहीं है। सरकारी अस्पताल को छोड़ दिया जाए तो किसी भी निजी अस्पताल में आयुष्मान से इलाज नहीं होता, तो इसके समाधान के लिए प्रशासन, स्थानीय नेता और सरकार को क्या पहल करनी चाहिए? गुमला जिला में करीब 12 लाख आबादी में 8 लाख, 8.5 लाख आवेदन हो चुका है, जिसमें से करीब 4,90,000 का आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी बन चुका है। और आयुष्मान कार्ड बनाने वालों के मन की मनोदशा है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो कहीं भी प्राइवेट या सरकारी कहीं भी मेरा इलाज हो सकता है, प्राइवेट में सुविधाजनक इलाज होगा। लेकिन आम जनता को यह पता नहीं है कि गुमला जैसे जगह में एक भी ऐसा नर्सिंग होम या प्राइवेट संस्थान नहीं है जहाँ मेरा इलाज हो सकता है। इस कारण से वो जब बीमार होके आते हैं तो नर्सिंग होम घूमते रहते हैं और उसमें उसका 2-4 घंटा समय जाया हो जाता है, तब पता चलता है कि यहाँ कहीं इलाज नहीं होता है और वो रांची वगैरह जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देते हैं। केंद्र सरकार की इतनी बड़ी योजना स्वास्थ्य के लिए जो वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है,
लेकिन एक जिला किसी राज्य का पूरा एक जिला इन सुविधाओं से अपने को मैंने दूर है, सिर्फ सरकारी अस्पताल में इसका इलाज है, जबकि सामान्य जन के दिमाग में है कि सरकारी अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं होता है, वो प्राइवेट जाना चाहते हैं और कोई भी प्राइवेट इसका इलाज नहीं कर रहा है। तो आप या तो सरकार के बनाए गए इस प्रावधान का प्राइवेट अवहेलना कर रहा है, या सरकार के की माने पॉलिसी के अंदर कुछ भ्रष्टाचार की बू आती है, जहां जिसके चलते वो इसमें समाहित नहीं होना चाहते, उनको लगता है कि हम उसके द्वारा इलाज करेंगे फिर उसका पैसा का निकासी नहीं होगा वगैरह वगैरह। यह तो कमी कहाँ है? हाँ, तो कमी कहाँ है कि मैंने ये इलाज नहीं हो रहा है? क्या निजी अस्पतालों की मनमानी है या फिर सरकारी सिस्टम में कहीं कोई छेद है? दोनों का में दोष है। प्राइवेट अस्पताल किसी भी इलाज के लिए एक भरपूर रकम चाहते हैं और सरकार उसके लिए एक फिक्स अमाउंट तय की है जिसमें वो इलाज नहीं करना चाहते हैं। कुछ अस्पताल हैं जिनका नहीं चलता है, वो इलाज करना चाहते हैं कि कुछ रोगी आ जाएगा तो उनको फिर उसके पैसा निकासी में प्रॉब्लम है। सरकार को चाहिए कि इन सभी विषमताओं के बीच से एक रास्ता निकाले, चूंकि सरकार चाहेगी तो ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकती है। लेकिन एक आम जनता के तौर पर हमसे अगर पूछिए तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है और सरकार के इस बनाए हुए योजनाओं को जनता तक नहीं पहुँचना जनता के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष झा। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।